हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम आपके अपनी वाईपी कंप्यूटर क्लासेस कीटो क्रिएटिव लर्निंग में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन बी स्पेसिमेन पेपर 2023 में, जो आईसीएसई क्लास 10th में आने वाला है। सेक्शन ए का सॉल्यूशन मैं ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूं एंड सेक्शन बी को मैं टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं। इसमें 6 क्वेश्चंस हैं, 6 क्वेश्चंस का मैं आंसर यहां पर आपको प्रोवाइड करूंगा। फर्स्ट पार्ट में आपको 3 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन 3, 4 एंड 5 आज की क्लास में आपका डिस्कस हो जाएगा एंड रिमेनिंग 3 क्वेश्चंस हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन 3 क्या है। ये जो क्वेश्चन 3 है ये मेरा फेवरेट है। इवन आपको 6 क्वेश्चंस में से 4 क्वेश्चन चूज करने हैं, राइट? तो उसमें से ये तो पक्का समझ के रखिए कि ये तो आपको करना है। क्यों? क्योंकि 80% आंसर तो आप यहीं से कॉपी कर सकते हो। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल, डिफाइन अ क्लास विद द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन, क्लास का नाम दिया है। सभी प्रोग्राम में हमें चूज़ करना पड़ता है कि क्लास का नाम क्या लेना है। यहाँ क्लास का नाम दिया होगा, मेंबर्स वेरिएबल भी दिए होंगे, उनका डिस्क्रिप्शन भी दिया है। ओके, एंड मेथड्स भी दिए होते हैं। 3 मेथड्स हमें यहाँ बनाना है, मेथड्स भी बनाना है जिसमें क्रिएट करना है ऑब्जेक्ट और फंक्शंस को कॉल करना है। मीन्स ये दिखने में तो बहुत बड़ा है लेकिन सब कुछ दिया हुआ है एक्चुअली। ओके, तो बस ये चीज़ याद रखिए, फेवरेट क्वेश्चन है, ये आपको करना ही है। बचे फिर 5 प्रोग्राम में से 3 प्रोग्राम चूज़ करना, उसमें फिर मैं उसमें भी आपको गाइड करूँगा कि क्या चूज़ करना है। तो ये ऑलरेडी मैंने यहाँ पर बना के रखा हुआ है। जैसे क्वेश्चन में गिवन था कि क्लास का नाम क्या लेना है, एम्प्लॉय, इसलिए मैंने एम्प्लॉय लिया। यहाँ पर स्मॉल में मैं चूज ओपन कर देता हूँ जिससे कि आप रिलेट कर पाओगे। ओके, तो एवरीथिंग यहाँ क्वेश्चन में गिवन है एक्चुअली। या ये एम्प्लॉय का नाम दिया है, यहाँ पर क्लास का नाम एम्प्लॉय हमने रख दिया। फिर ENO, ACE, BASIC, NET और ENAME ये ऑल वेरिएबल्स यहाँ दिए हैं और एक छोटा सा मतलब वेरिएबल का डिसबैलेंस है, जो नेट वेरिएबल मैंने एक्स्ट्रा लिया है वो आपको जैसे आप आगे फर्दर कैलकुलेशन करोगे पता चल जाएगा। यहाँ नेट वेरिएबल नहीं दिया है, ये मैंने अपनी तरफ से लिया हुआ है। ओके, उसके बाद और इन वेरिएबल्स को बोलते हैं क्या, मेंबर वेरिएबल्स। ओके, नाम दिया हुआ है ऑलरेडी, इन वेरिएबल्स को क्या बोलेंगे, मेंबर वेरिएबल्स। ओके, और एक और नाम है, डेटा मेंबर्स भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इन्हें, डेटा मेंबर्स। तीसरा नाम बताइए, मींस एक ही प्रोग्राम में जितना हो सके ना उतना कॉन्सेप्ट आप क्लियर करके रखिए। इन्हें इंस्टेंस वेरिएबल भी बोलते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल भी बोलते हैं। ओके, तो बस तो इसका फुल डिस्क्रिप्शन आपको क्लियर हो गया। अब बात करते हैं वॉइड एक्सेप्ट, तो ये भी यहाँ पर दे रखा है। ओके, तो सब कुछ क्या करना है, कॉपी करना है एक्सेप्ट डिटेल यूजिंग स्कैनर क्लास। ओके, तो यहाँ पर मैंने ये भी बनाया हुआ है, तो यहाँ पर वॉइड एक्सेप्ट फंक्शन भी मैंने यहाँ बनाया हुआ है स्कैनर का, जैसे उन्होंने बोला था। तो इसका स्कैनर का वेरिएबल हमने लिया। साथ में एक चीज़ और याद रखनी है, स्कैनर है तो इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एस्ट्रिक आपको यूज़ करना है। एस्ट्रिक की जगह पर आप स्कैनर भी यूज़ कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर स्कैनर SC SOP में मैंने मैसेज दे दिया, एंटर एम्प्लॉय नेम, एज, बेसिक सैलरी, और यहाँ पर हमने एम्प्लॉय नंबर, नेम, एज, बेसिक सैलरी एंटर कर लिया। सबसे ईजिएस्ट फंक्शन है, केवल क्या करना है, इनपुट करना है। इस प्रोग्राम में वेरिएबल डिक्लेयर करना है वो इजी होता है, एक्सेप्ट फंक्शन इजी होता है, डिस्प्ले फंक्शन इजी होता है। ओके, ये जो डिस्प्ले फंक्शन है और ये जो मेन फंक्शन है डेट इज़ आल्सो इजी। कोई भी आप प्रोग्राम कैच कर लीजिए, मतलब अगर आप 5 प्रोग्राम्स एनालाइज करोगे ना तो जो ये चीज़ें हैं आपकी, कॉलिंग, प्रिंटिंग एंड इनपुट और वेरिएबल डिक्लेरेशन, ये सब कॉमन रहने वाला है। ओके, 90% जो भी आपको दिमाग लगाना है कैलकुलेशन में लगाना है। यहाँ कैलकुलेशन इजी था एक्चुअली, और ये अगर आप कैलकुलेशन देखोगे तो यहाँ पर उन्होंने ईच एंड एवरी पॉइंट दिए हुए हैं। यहाँ पर क्या बोला हुआ है कि HRA निकालना है ना, HRA निकालना है 18.5%, तो 18.5% बेसिक इंटू 18.5% डिवाइड बाई 100 ये हमने निकाला। सेम फिर 17.45 एंड 8.10 PF निकाल दिया। उसके बाद देखो ये फार्मूला
क्या कुछ गिवन नहीं है, एवरी थिंग इज़ गिवन, बस उस पॉइंट जो दिया गया है उसको कैसे यूज़ करना है बस वो पता होना चाहिए। ओके, फिर प्रिंट फंक्शन के लिए भी इन्होंने दिया हुआ है कि पहले ई नंबर डिस्प्ले होगा, ई नेम डिस्प्ले होगा, फिर एज, बेसिक सैलरी और नेट। तो यहाँ पर वही चीज़ हमने फॉलो की हुई है। एम्प्लॉय नंबर डिस्प्ले हो रहा है, ओके, यहाँ पर ई नंबर, ई नेम, एज, बेसिक सैलरी और नेट, ओके। बीच में टैब स्पेस दे दिया है, सेलेस्टी जो है इससे टैब स्पेस आ जाएगा। और इसका एक हेडिंग मुझे बनाना है। देखो, सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट बनाया मेन फंक्शन के अंदर। ये क्वेश्चन में ये वाला पार्ट गिवन था कि मेन फंक्शन आपको बनाना है, कहाँ गया ये, void main, create object of a scanner class, sorry, create a object of class and invoke the functions। तो उसके लिए हमने main class बनाया और main function बनाया और उसका object बनाया, फिर ob.accept function को call किया है, फिर calculate function call किया, उसके बाद ये SOP दे दिया। इससे क्या होगा, एक heading आ जाएगी, पहले ENO आएगा, फिर name आएगा, age आएगा, basic salary, net, उसके बाद हमने प्रिंट फंक्शन को कॉल कर दिया। जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे यहाँ से, ये उसी लाइन में ये आपका प्रिंट हो जाएगा। तो ये सबसे इजीएस्ट फंक्शन है, ओके, और प्रोग्राम है। तो मेरी चॉइस तो यही है कि जो क्वेश्चन 3 आएगा क्लास एंड ऑब्जेक्ट का ही आता है, सब कुछ गिवन होता है, आपको बस कॉपी करना आना चाहिए, बस नकल करना आना चाहिए। मैं इस टाइप के और भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा, उससे आपका ये क्लियर हो जाएगा। तो 6 क्वेश्चन में से ये तो फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखना है आपको, मेरे अकॉर्डिंग, मेरे सजेशन के अकॉर्डिंग, ओके। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ये है फंक्शन ओवरलोडिंग का। डिफाइन अ क्लास, ये क्वेश्चन है 4, डिफाइन अ क्लास टू ओवरलोड अ मेथड प्रिंट एज फॉलो। तो एक आपका यहाँ ओवरलोड का मतलब होता है तीनों फंक्शन का जो नाम है वो सेम रहेगा, ओके। यहाँ पर 0 आर्गुमेंट, 1 आर्गुमेंट और 2 आर्गुमेंट, नंबर ऑफ आर्गुमेंट की बेसिस पर हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो फर्स्ट में ये पैटर्न प्रिंट करना है, सेकंड में ये नंबर चेक करना है, डोट ने नंबर मींस जो भी प्रोनंसिएशन है वो समझ जाइए। कोई भी अगर ये अलग से नाम देते, अभी तक ये ऐसा कुछ आया नहीं है एग्ज़ाम में, ओके, तो कोई भी वो नाम देते हैं उसका वो डिस्क्रिप्शन ज़रूर देंगे। तो उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया है कि जो भी नंबर एंटर करोगे उसकी डिजिट्स का सम का क्यूब, ओके, सम निकालो और उसका फिर क्यूब निकालो। वो क्यूब जो है वो वही नंबर अगर रिप्रेजेंट होकर आ जाता है तो ये आपका ड्यूडने नंबर हो जाएगा, ओके। एंड देन फिर ये है, तो जैसे जैसा वो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं वैसा हमें करना है। तो मैं ये वाला क्वेश्चन भी ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी कोड लिख कर दिया है और ये कॉमन है एक्चुअली। और आपको क्या करना पड़ेगा, पैटर्न्स की निंजा 1, निंजा 2, निंजा 3 टेक्निक्स मैंने आपको प्रोवाइड की हुई हैं, वहाँ से आपको पैटर्न बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वहीं से क्लियर है। एक्चुअली हमारा क्वेश्चन ये है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये लाना है, राइट। तो यहाँ i में 1 है और ये 4 टाइम चलेगा क्योंकि 4 रोज़ हैं, ओके, आउटर लूप रोज़ के लिए चलता है। ये किसके लिए चलेगा, रोज़ के लिए चलेगा। और अगर ट्राइंगल शेप में होता है तो i से हम कनेक्ट करते हैं, i में 1 है, j में भी 1 है, तो ये 1 टाइम चलेगा और k की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, k में भी 1 है, ओके, तो ये 1 प्रिंट हो गया। k एक ऐसा वेरिएबल लिया जो एवरी टाइम इंक्रीज होगा क्योंकि यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये पूरा मतलब इंक्रीज हो रहा है, कभी वो रिटेन नहीं हो रहा है कि अगेन वो 1 से स्टार्ट हुआ, इसलिए ये हमेशा इंक्रीमेंट होगा। और SOP LN से वो न्यू लाइन पर आ जाएगा। फिर K में जो 1 था वो 2 में कन्वर्ट हो गया और ये अब 2 टाइम चलेगा, I में 2 आ चुका है, अब ये 2 टाइम चलेगा तो K में 2, फिर 3 हो जाएगा तो 3 प्रिंट हो जाएगा, तो 2 और 3 आंसर आ जाएगा, ओके। तो नॉर्मली क्या है, आपको ये पैटर्न का आने के लिए आपको पैटर्न हैंडलिंग के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और इसका थोड़ा सा बेसिक कवर करना पड़ेगा, ओके। तो अगर समझ में नहीं भी आया है तो पहले आपको बेसिक कवर करना पड़ेगा। जैसे ही आपका बेसिक्स कवर हो जाता है, मेरे चैनल है जिस पर एक ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनाया हुआ है पैटर्न्स का, तो वहाँ से आप, और मैंने काफ़ी अच्छे से क्लियर किया हुआ है ये, तो वहाँ से आप समझ सकते हो, ओके। तो
ये हो जाएगा। फिर यहाँ पर ये उन्होंने दिया ड्यूटी नंबर का, तो इसमें हमें क्या करना है कि जो भी नंबर हम एंटर करेंगे, सपोज हमने एक नंबर ले लिया n इज इक्वल टू 512, ये एक नंबर ले लिया। उन्होंने क्या बोला है, इसका सम डिजिट निकालना है, 5 + 1 + 2 = 8, फिर 8 का जो हम क्यूब निकालेंगे 512 आ जाएगा, इसका मतलब ये ड्यूटी नंबर है। तो ये यहाँ पर व्हाइल लूप हमने लगाया n ग्रेटर देन 0, और यहाँ पर हमने n को कॉपी कर लिया, क्योंकि ये जो हम प्रोसीजर करने वाले ना, एक एक डिजिट हम निकालेंगे फिर हम उसे ऐड कर देंगे। ओके, ये नंबर बेस्ड प्रोग्राम है, मतलब यहाँ पर बहुत स्मार्ट गेम प्ले किया है इन्होंने, कि ऊपर तो पैटर्न आ गया, यहाँ नंबर प्रोग्राम आ गया, और नीचे स्ट्रिंग का प्रोग्राम उन्होंने दे दिया बेसिक्स वाला। तो नॉर्मली बस आपको ये नंबर प्रोग्राम वाला आना चाहिए। यहाँ पर ये जो फर्स्ट लाइन है ना, ये क्या कर रहा है, फर्स्ट लाइन से आपका डिजिट गेट होता है, टू गेट डिजिट, कौन सा डिजिट गेट होगा, ये टू गेट हो जाएगा। जब भी आप एक नंबर ए के अंदर, हमने एन को ए के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया है, तो जब भी आप रिमाइंडर निकालते हो ना, तो हमेशा लास्ट डिजिट निकलता है। ओके, आप मैं करके बताता हूँ, 512 आप 10 से डिवाइड करो, पहले 5 टाइम जाएगा, 1 आ जाएगा 2, फिर वन टाइम जाएगा, और यहाँ पर 10, देखो लास्ट डिजिट आ गया, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, आपका लास्ट डिजिट आ जाता है। ओके, और सम इज इक्वल टू सम प्लस डिजिट, सम इज इक्वल टू सम प्लस डिजिट से आपका ये जितनी भी डिजिट्स आएंगी, पहले 2 आएगा वो प्लस हो जाएगा। ओके, अगर 512 लिया है तो पहले 2 आएगा, ये प्लस हो जाएगा, फिर सम के अंदर 2 है, फिर डिजिट 1 आएगा, और ये 3 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर 3 हो गया, और डिजिट के अंदर आएगा 5, तो ये 8 हो जाएगा, जो कि सम ऑफ डिजिट है। तो एक्चुअली क्या है, यहाँ पर ये लाइन से आपको डिजिट मिल जाएगा, इससे आपका प्लस हो जाएगा, और इससे वो जो लास्ट डिजिट है वो रिमूव हो जाएगा। जब ये लास्ट डिजिट रिमूव होगा तभी आपका ये डिजिट आएगा, ये रिमूव होगा तभी ये डिजिट आएगा। तो ये प्रोसीजर है, ये जो व्हाइल लूप के नंबर गेटिंग वाला एक कॉमन कोड है जो मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, तो वो समझना है। एक बार मैं इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ अच्छे से, कि इस लाइन से तो आपका डिजिट गेट हो जाएगा, टू गेट डिजिट, और इस लाइन से रिमूव हो जाता है, रिमूव डिजिट। क्योंकि अब जैसे 512 था, जब 10 से डिवाइड कर दोगे तो क्या आएगा, 51.2, और 0.2 रिमूव हो जाएगा, 51 बचेगा, ऐसे वो रिमूव हो जाएगी। जब 51 बचेगा तो अगेन लास्ट डिजिट कौन सी आएगी, 1, और फिर 1 भी चला जाएगा, फिर ये 5 आएगा। तो ये जो 3 लाइन्स है ना, दे आर कॉमन फॉर ऑल नंबर बेस्ड प्रोग्राम। जहाँ पर भी आपको डिजिट्स लग रहा है कि डिजिट गेट करके आपका प्रोग्राम बन सकता है, देन डू इट। ओके, तो मैं यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, इस टाइप के प्रोग्राम्स का मैंने एक 12-in-1 का वीडियो बनाया हुआ है, और एक 21-in-1 का बनाया हुआ है, जिसमें ये कॉमन लाइंस रिपीट हो रही हैं। आपका ये 4 लाइंस हैं, वाइल का कंडीशन, और ये 3 लाइंस। ओके, तो इसके बेसिस पर आप 12 प्रोग्राम 21 प्रोग्राम्स कर सकते हो। ये तो एक नंबर दिया है उन्होंने, उसी में से ही एक आया है, तो आपके जो नंबर बेस्ड प्रोग्राम है वो आराम से उससे प्रैक्टिस हो जाएगा। पैलिंड्रोम है, आर्मस्ट्रॉन्ग है, न्यून नंबर है, ओके, बहुत सारे नंबर्स हैं, तो वहाँ से जब वो प्रैक्टिस हो जाएगा तो ये आराम से कर पाओगे आप। ओके, देन फिर हमने यहाँ पर क्यूब निकाल लिया, एंड क्यूब निकालने के बाद फिर हमने उसे कंपेयर कर दिया, आंसर आ गया। ओके, और फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर देखा जाए, ये भी क्वेश्चन में गिवन है कि अगर CH की वैल्यू S, कैपिटल S और स्मॉल S है, तो हमें स्क्वायर निकालना है, और C है तो हमें क्यूब निकालना है। इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन, मैंने क्या किया है, क्वेश्चन में से ही लिखा है। ओके, मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो CH इज इक्वल टू S और S एंड प्रिंट स्क्वायर, और CH अगर C और C है तो क्यूब निकालना है, उसको मैंने कोडिंग में इनबिल्ट कर दिया, हो गया। ये दूसरा प्रोग्राम हो गया। अब आते हैं तीसरे प्रोग्राम पर। मैं तीसरे प्रोग्राम के लिए इसलिए हंस रहा हूँ क्योंकि
ये बबल सॉर्ट का प्रोग्राम है और बबल सॉर्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैंने ऑलरेडी इसका वीडियो बनाया हुआ है, पूरा हाफ एन आवर लगेगा इसको समझने में आपको। लेकिन एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं यहाँ पर कि क्वेश्चन क्या है। नॉर्मली जो क्वेश्चन है उसमें है डिफाइन अ क्लास टू एक्सेप्ट 10 इंटीजर, तो मैंने उस वीडियो में भी 10 इंटीजर लिए हैं एंड अरेंज देम इन अ डिसेंडिंग ऑर्डर यूजिंग बबल सॉर्ट एंड प्रिंट द ओरिजिनल एंड द सॉर्टेड एरे। तो ओरिजिनल भी प्रिंट करना है, सॉर्टेड भी प्रिंट करना है। तो यहाँ पर इन्होंने डिसेंडिंग डाल दिया, केवल इन्होंने क्या किया है, ये डिसेंडिंग वर्ड ऐड कर दिया है। लेकिन वीडियो में मैंने असेंडिंग बताया है, तो असेंडिंग और डिसेंडिंग में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मैं आपको यहाँ पर डिफरेंशिएट करके बता देता हूँ आपको क्या करना पड़ेगा कि ये जो यहाँ पर मैं यहाँ समझा नहीं रहा हूँ आपको, वो उस वीडियो से समझना है। तो उस वीडियो में मैं जो समझा रहा हूँ, तो यहाँ पर ये जो कंडीशन है, यहाँ जो लेस देन लगा हुआ है, ओके लेस देन, तो अगर आप लेस देन लगाओगे तो डिसेंडिंग में आ जाएगा और अगर ग्रेटर देन लगाओगे तो असेंडिंग में आ जाएगा। तो वीडियो में मैं ग्रेटर देन के बेसिस पर समझा रहा हूँ कि कंडीशन ट्रू ही, तो मतलब पूरा जो बड़ा एलिमेंट है वो लास्ट में शिफ्ट हो जाएगा और डिसेंडिंग में क्या होगा, जो सबसे छोटा एलिमेंट है वो लास्ट में शिफ्ट होगा, बस इतना याद रखना है। वीडियो में जो मैं बता रहा हूँ कि पहले बड़ा एलिमेंट लास्ट में शिफ्ट हो जाएगा, फिर और उससे बड़ा लास्ट में शिफ्ट हो जाएगा, मतलब बड़ा बड़ा एलिमेंट लास्ट में शिफ्ट हो जाएगा, डिसेंडिंग के लिए छोटा एलिमेंट लास्ट में शिफ्ट होगा, बस इतना ही डिफरेंस है। और पूरा जो कोड है सेम है, बस ये जो साइन है ग्रेटर देन का वो आपको लेस देन करना है डिसेंडिंग के लिए, ओके बस इतना ही चेंज करना है। बाकी का 10 एलिमेंट्स के लिए ही समझाया है मैंने वहाँ पर, ओके तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से ये बबल सॉर्ट का क्लियर हो जाएगा। ओके बबल सॉर्ट के लिए ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको कोड याद करना है, ओके क्योंकि सॉर्टिंग के अलग अलग तरीके होते हैं। अगर आपने कोई दूसरा तरीका फॉलो कर दिया और उन्होंने स्पेशली बोला है बबल सॉर्ट, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे भले ही आपका कोड सही हो, ओके तो बस ये याद रखना है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं 3 क्वेश्चंस का आंसर और देने वाला हूँ। यहाँ पर आंसर्स हो गए, 3 क्वेश्चंस के आंसर हो गए, ओके।